नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं कुमार, और देखिए आप लोग जानते हैं जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, ना तो इंडिया ने डायरेक्टली रशिया को क्रिटिसाइज किया है और ना ही इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसके अगेंस्ट वोट किया है। हालांकि इंडिया पर वेस्टर्न कंट्रीज का और यूएस का काफी दबाव है इस चीज को लेकर कि वो रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर रशिया को क्रिटिसाइज करें, लेकिन इंडिया अभी तक इससे बचता रहा है। साथ ही जब जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के अगेंस्ट कोई भी प्रस्ताव लाया गया है तो इंडिया उससे एब्स्टेन रहा है। इसका मतलब उसने रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया। लेकिन देखिए, रिसेंट न्यूज है, इन ए फर्स्ट टाइम इंडिया वोट्स अगेंस्ट रशिया इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ड्यूरिंग प्रोसीजरल वोट ऑन यूक्रेन। वेडनेसडे को पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया है ड्यूरिंग ए प्रोसीजरल वोट इन 15 मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आप लोगों को मालूम है कि यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर है, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट, और इंडिया भी फिलहाल नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और इंडिया का 2 साल का टर्म खत्म हो रहा है इस साल के दिसंबर में। हालांकि देखिए, इंडिया ने भले ही रशिया के अगेंस्ट वोट ना किया हो या रशिया को क्रिटिसाइज ना किया हो, लेकिन इंडिया रशिया और यूक्रेन से लगातार ये बात कह रहा है कि उनको डिप्लोमेसी और डायलॉग के पाथ पर वापस आना चाहिए। साथ ही इंडिया ने यह भी कहा है कि अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए कोई भी डिप्लोमेटिक एफर्ट लिया जाता है तो इंडिया उसका फुल सपोर्ट करेगा। अब देखिए, बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है और किस मुद्दे पर इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया है। देखिए, वेडनेसडे को यूक्रेन का 31st इंडिपेंडेंस डे था और इसी दिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर के 6 महीने पूरे होने पर चर्चा होनी थी, और इस मामले पर इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रुचिरा कंबोज, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई, रशिया के जो एंबेसडर है यूनाइटेड नेशन में वासिली नेबेंजिया, उन्होंने एक प्रोसीजरल वोट की रिक्वेस्ट कर दी। देखिए, प्रोसीजरल वोट तब डिमांड किया जाता है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हो रही होती है उसके प्रोसीजर को लेकर किसी मेंबर को प्रॉब्लम होती है, तब कोई भी मेंबर प्रोसीजरल वोट के लिए डिमांड कर सकता है, और ऐसी डिमांड की रशिया के एंबेसडर ने। और इसका मेन रीजन ये था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस मीटिंग में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी इनवाइट किया था, और जेलेंस्की इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले थे वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और यह इनविटेशन भेजा गया था अल्बानिया के एंबेसडर जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फेरिट होग्जा के थ्रू। अब आपको मालूम है रशिया परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और इसीलिए जब रशिया के एंबेसडर ने प्रोसीजरल वोट डिमांड कर दिया तो यह होना कंपल्सरी था, तो इसको लेकर वोटिंग हुई और जो टोटल 15 मेंबर्स हैं उनमें से 13 मेंबर्स ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया इंक्लूडिंग इंडिया। और देखिए, इस प्रस्ताव पर सिर्फ एक मेंबर ने रशिया के फेवर में वोट किया है और वो है खुद रशिया। दूसरा मेंबर चाइना, जो रशिया को अक्सर सपोर्ट करता है, वो इस वोटिंग से एब्स्टेन रहा। इसका मतलब उसने वोट नहीं किया ना रशिया के फेवर में ना रशिया के अगेंस्ट। बाकी सभी 13 मेंबर ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया। और यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि इंडिया ने भी इस केस में रशिया के अगेंस्ट ही वोट किया है, और दिस इज फर्स्ट टाइम इन यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी प्रस्ताव पर इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया है। अब अगर बात करें कि रशियन एंबेसडर को यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के यूएनएससी की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने को लेकर क्या ऑब्जेक्शन था, तो उनका कहना था कि इस मीटिंग में हम जेलेंस्की के पार्टिसिपेशन को अपोज नहीं करते हैं, लेकिन ये पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन पर्सन। इसका मतलब उनको खुद आकर यूएनएससी की मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि COVID-19 पेंडेमिक के दौरान यूएनएससी ने डिसाइड किया था कि वो वर्चुअली काम करेगी, लेकिन उस दौरान जितनी भी मीटिंग्स हुई थी वो सब इनफॉर्मल थी, और कोरोना पेंडेमिक के बाद अब काउंसिल अपने पुराने रूल्स और प्रोसीजर पर वापस आ चुकी है, और इसीलिए जेलेंस्की को खुद आकर ये मीटिंग अटेंड करनी चाहिए थी, ना कि वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और इसीलिए रशिया का मेन ऑब्जेक्शन है जेलेंस्की के वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करने पर। लेकिन सरप्राइजिंगली इस मुद्दे पर यूएनएससी में जो वोटिंग हुई उसमें इस बार किसी ने भी रशिया का साथ नहीं दिया। अब देखिए, साथ इस चीज को लेकर अल्बानिया के जो एंबेसडर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उनका कहना है कि यूक्रेन इस वक्त वॉर में है और ऐसी सिचुएशन में यूक्रेन के प्रेसिडेंट का यूक्रेन में होना जरूरी है, और इसीलिए इस यूनिक सिचुएशन की वजह से यूएनएससी की इस मीटिंग में वो जेलेंस्की के वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करने को सपोर्ट करते हैं, और अदर मेंबर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी इस चीज को सपोर्ट करें। अब देखिए, इंडिया ने रशिया के फेवर में वोट नहीं किया और चाइना भी इस चीज से एब्स्टेन रहा, तो जाहिर सी बात है रशिया को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो होना ही था। और इसको लेकर उसके जो एंबेसडर है यूएनएससी में मिस्टर नेबेंजिया, उन्होंने कहा कि हमें बड़ा दुख है कि काउंसिल मेंबर्स हैड स्पोकन आउट अगेंस्ट कंप्लाइंग विद द रूल्स ऑफ द ऑर्गन,
और ये जो वोटिंग हुई है इसको लेकर उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन के वेस्टर्न बैकर्स को तो समझ सकते हैं, यानी उन वेस्टर्न कंट्रीज को जो यूक्रेन को बैक करती हैं, लेकिन हमें दुख है कि और भी कई मेंबर्स ने इस प्रोसीजरल वोट के अगेंस्ट वोट किया और उनका इशारा इंडिया की तरफ ही था। अब देखिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने जो पार्टिसिपेट किया है इस मीटिंग में वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, उसमें वो काफी एग्रेसिव नजर आए। उन्होंने कहा कि रशियन फेडरेशन को अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए फॉर इट्स क्राइम ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, और अगर मॉस्को अभी भी नहीं रुकता है तो रशिया के जो मर्डरर्स हैं यानी रशियन आर्मी, ये सब दूसरी कंट्रीज में ही जाकर मरेंगे। साथ ही देखिए रशिया और यूक्रेन वॉर में फिलहाल जो रशियन आर्मी ज़ैपोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास युद्ध लड़ रही है उसको लेकर भी उन्होंने रशिया को क्रिटिसाइज किया, और साथ ही उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को यानी IAEA को इस सिचुएशन का परमानेंट कंट्रोल ले लेना चाहिए। और देखिए इसी चीज को लेकर इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में रुचिरा कंबोज, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि हम लोग कैसे यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं बाय सेंडिंग मेडिकल एड टू यूक्रेन। उन्होंने बताया कि इंडिया अब तक अराउंड 100 टन मेडिकल एड यूक्रेन को भेज चुका है, और रिसेंटली इंडिया ने यूक्रेन को 11th मेडिकल कंसाइनमेंट रिलीज किया है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।